मुझे सर जी ये जी दोबारा पहले जो लेक्चर्स किए हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखूं या क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं बताता हूँ, बस 1 मिनट मुझे दे दें। ओके सर। अच्छा, तो आप ना हैंड रेज कर लें, अब जो जो नहीं है जिनका आज फर्स्ट डे है। 1 2 3 तीन। ए, ये महक, आप भी न्यू लग रहे हैं मुझे, और तकी हैदर भी। ठीक हो गया। अच्छा, तो आज काफी ज्यादा न्यू न्यू लोगों ने ज्वाइन किया हमें, तो और मैं एक बार बता दूं कि दिस इज द लास्ट वीक ऑफ दिस सेशन। लाइक वी हैव ओनली 2 और 3 डेज लेफ्ट फॉर कंप्लीटिंग दिस सेशन। एक्चुअली मैं इस सेशन में हमने कवर क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूँ। दिस सेशन वॉज अबाउट डीप लर्निंग विद किरास। ओके, तो इस सेशन में हमने स्टार्ट किया अपने कुछ प्री रिक्विजिट से, जिसपे हमने कवर की इमेज प्रोसेसिंग। हमने पिलो से और ओपन सीवी से इमेज प्रोसेसिंग को देखा। उसके बाद हमने फिर न्यूरल नेटवर्क्स को देखा बहुत डिटेल से, पूरे पूरा वीक उन पर डिस्कशन की। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किए सीएनएन के आर्किटेक्चर्स। उसके बाद लास्ट 2 वीक से हम अपनी किरास की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी सर, मैं पूछना था ये कौन सा नंबर वीक है और यानी कि कितनी क्लासेस हो गई हैं? ये लास्ट वीक है, 5th वीक। ओके सर। और हाँ, और मेरे ख्याल से शायद ये पूरा वीक भी ना चले। इट मे बी एंड ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। वी हैव ओनली कपल ऑफ थिंग्स लेफ्ट एंड वी विल कवर इन अपकमिंग डेज। एंड वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन। ठीक है। अच्छा, जो न्यू लोग हैं उनमें से किसी को सीएनएन आता है? अच्छा चलें, जिनको नहीं आता वो हैंड रेस करने हैं। अच्छा, काफी ज्यादा लोगों को नहीं आता। अच्छा, तो क्या सजेस्ट किया जाए कि आज मैं? अच्छा, तो हमारे साथ पुराने लोग भी हैं, सर वकास, सर तानिश, मैम शुमेला। आई अप्रिशिएट कि आप लोग इस पूरे सेशन में हमारे साथ रहे। तो आप लोग क्या कहते हैं कि हम सीएनएन पढ़ें आज या आगे डॉक्यूमेंटेशन को कंटिन्यू करें? अच्छा, तो आज जो न्यू लोग हैं ना उनके लिए मैं चले बता देता हूँ क्या सीन है। हमारे पास डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए न्यूरल नेटवर्क्स होता है ए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, और दूसरा है सीएनएन और तीसरा आरएनएन। हमारा जो सेशन था वो था स्पेसिफिकली इमेजेस पर, हमने इमेजेस पर काम करना था, तो हमने सीएनएन को टारगेट किया, उसको डीपली देखा, और उससे पहले हमने न्यूरल नेटवर्क्स को देखा। ठीक है, तो हमारी सेशन की प्लेलिस्ट भी बन चुकी है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 5 PM डीप लर्निंग विद किरास के नाम से है, आईकोड के पेज पे। 5 PM डीप लर्निंग विद किरास, ये देखें, ये पहला ही प्लेलिस्ट हमारी है। इस प्लेलिस्ट में हमारे सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग सॉरी हाँ, तो ये हमारे सेशन की ही प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर आप लोग इसको जाके देखना चाह रहे हैं देन इट्स अप टू यू। और उसके बाद एक ना MIT की वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग MIT। आप सिंपल सर्च करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग MIT, ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें MIT की ना आप दो क्लासेज हैं, दो लेक्चर्स हैं,
अगर तो आप बोलोग ले लेना तो योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। हाँ, एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डीप लर्निंग एक है ये CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो इससे ना चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो CNN इज अ मेजर टॉपिक। आप लोग यहाँ ऐसा किया जा सकता है कि आप लोग ये वीडियोस देख लें, कल सेशन में आ जाएं और फिर आके मुझे बता दें जो चीज़ समझ नहीं आई तो हम उसको स्पेसिफिकली डिस्कस कर सकते हैं। सर प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दें। अच्छा, तो लिंक ये MIT का अच्छा है, आई डोंट नो इसका, एक मिनट। सर, ये जो सब्सक्राइब के साथ जो शेयर का बटन है उस पर आप क्लिक करिएगा तो आ जाएगा, कॉपी लिंक कर दें आप। ओके ओके, एक मिनट। कॉपी, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर दिया। इसमें आप लोग दो वीडियोस देख लेंगे ना तो आप लोगों को ये न्यूरल नेटवर्क से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग और ये CNN, ये दो वीडियोस हैं, इनको आप देख लें। आप अभी हमारे पास ये सेशन वैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था सीखने के लिए, क्योंकि इस सेशन का मकसद जो था ना हमारा वो ये था कि हम आप लोगों को रेडी करवाएं मास्टर्स के लिए, ए मास्टर्स नॉट PhD के लिए USA के अंदर। ठीक है, क्योंकि USA में अगर एडमिशन लेना है तो AI बहुत ज़रूरी है और 70 to 80% प्रोफेसर्स काम ही इमेजेस पर कर रहे हैं। तो डेट्स वाई हमने ये सेशन स्टार्ट किया था और इसको डिस्कस किया, एंड आई होप जिन्होंने सेशन पूरा लिया है वो अब इस काबिल हैं। क्योंकि जो एडमिशन से पहले ना प्रोफेसर्स के साथ आपके इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें ना ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो वो CNN पे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ये वीडियोस देखें तो फिर आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ लगती आप लोग सेशन में आ जाएं, हम उसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सर, उस प्लेलिस्ट पे सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं जो आपने पहले क्लासेस ली हैं 5 महीने में? अच्छा जो मैंने अभी ये जो सेंड की है ना ये चैट में, ये है MIT की, लेकिन अगर आप हाँ आईकोड का यूट्यूब चैनल, आपको पता होगा उसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 5 PM डीप लर्निंग विद क्लास, उसमें तकरीबन सब क्लासेस पड़ी हुई हैं। सर, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो लें क्लासेस, आप लोगों को फिर समझ आएगी। अब मे भी आज के सेशन की ना आए बट अच्छा, तो चले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या और हम कर क्या रहे हैं। किराज एक API है, यू कैन से लाइब्रेरी, जिसमें हमारे पास मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए फंक्शनलिटीज होती हैं। ठीक है, तो हम हैंड ऑन प्रैक्टिस भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिस हो जाती हैं, जिनका हमें पता नहीं है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करती है, हमारा इधर मोटिव ये था कि हम उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और देखें कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिर ये किराज के डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑफिशियल आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे किराज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की, आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वो है प्रोजेक्ट्स। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है कि आप अगर किसी को दिखा बताए ना कि मुझे AI आती है तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि AI। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वो है प्रोजेक्ट्स अपनी प्रोफाइल के अंदर। अपनी प्रोफाइल के अंदर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन PhD, देन यू मस्ट नो अबाउट सम बेसिक प्रोजेक्ट्स ऑफ लाइक कंप्यूटर विज़न। ठीक है ना, तो प्रोफेसर आपके साथ इंटरव्यू ही तब अरेंज करेगा जब आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स करने के लिए दिस इज द बेस्ट। इसमें आपको इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मतलब हर टाइप का प्रोजेक्ट मिल जाएगा कंप्यूटर विजन का। ठीक है, और इसमें आपको डाटा सेट भी मिल जाएगा, कोड भी मिल जाएगा, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द कोड और मे बी यू कैन ऐड सम मोर फंक्शनैलिटी, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलें किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम अपना कंटिन्यू करते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन था, मेरा सर अभी ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 7th सेमेस्टर में स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। तो सर, मैंने एक प्रोजेक्ट तो लेना है AI रिलेटेड ही हुई, तो
तो सर आप उसके लिए कोई सजेस्ट क्या करेंगे कि कौन सा रखना चाहिए, और यानी कि किधर से मैं उनकी प्रिपरेशन करूं? यार ये वैसे प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे इतना टाइम लगाना भी नहीं चाहिए। आप 6 सेमेस्टर में हो अभी? 9 से मेरा एंड हो गया, 6, 7th नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है सेवंथ नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से। तो जी। आपको ना आपको एक बना बनाया प्रोजेक्ट उठा लेना चाहिए नेट से, और आपको तैयारी करनी चाहिए यूएसए आने की, ठीक है? 7 सेमेस्टर में यूएसए में एडमिशन हो जाता है, ठीक है? वाकई में सर, मेरा अभी 8 सेमेस्टर है, और मेरे पास एडमिशन लेटर पड़ा हुआ है तकरीबन 2 यूनिवर्सिटीज का। ओ माशाल्लाह, ऐसे यूएस की, हाँ जी, वाह वाह अभी अभी वो माशाल्लाह प्रोसेस में, अभी वो प्रोसेस में है चीज़ें। खैर बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको किस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है? तो 100% 7 सेमेस्टर में एडमिशन हो जाता है यूएसए के अंदर। आपको आई थिंक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बजाय आपको ज़्यादा आईएएस पर फोकस करना चाहिए फिलहाल, और उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं नेट से, आप उठा लें कोई भी, तो वो आप उसको हफ्ता लगाएं उसको कंप्लीट कर लें, ज़्यादा ना उस पर सर वर्किंग करें। ठीक, यानी कि सर अगर ये फिर जॉब्स वगैरह के लिए, तो काफ़ी मैंने सुना है कि जैसे पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए फाइनल प्रोजेक्ट काफ़ी मैटर करता है, तो उसका कोई आइडिया? तो फाइनल ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री है ही नहीं ये एआई की, शायद सही मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो बहुत सही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड जी है। तो अगर जो है वो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर काम कर रही है, कंप्यूटर विजन वगैरह को कम ही यूज़ करते हैं। तो जी सर अब आपको अपने सरकमस्टांसिस देख के खुद ही डिसाइड करना है, बट मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया सर, मैं आपसे लिंक्डइन में कनेक्ट होता हूँ, मैं आप कुछ पूछता हूँ। ठीक है, ठीक थैंक यू है, किसी और का भी क्वेश्चन? सर सर। आपने जीआरई जीआरई दिए हुए, हम योलो पे कोई एक आध क्लास रखें, मतलब उसकी कस्टम डेटा ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा, योलो जो है ना, योलो यार बहुत इजी सीन है। योलो का तो यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस पड़ी हुई है, योलो एक बहुत पॉपुलर मॉडल है ये। मेरा भी FYP फंसा हुआ है उसी पे, इसलिए कह रहा था। यार देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, योलो तो बहुत इजी सीन है, उस पर तो हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये देखो ना, आप इस पर सर्च करोगे, मैंने योलो पे एक बनाया था ड्रोनस डिटेक्शन का प्रोजेक्ट, योलो मॉडल प्रोजेक्ट, मॉडल प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट किसके रिलेट है? सर जी मैं नस्ट में होता हूँ, मेरा जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, और हमारा वो मिला था एक प्रोजेक्ट आर्मी की तरफ से, तो ठीक उनके ना है, उनके पास डेटा नहीं है, मतलब वो डेटा नहीं देते, लेकिन वो कहते हैं कि हमें एक प्रोटोटाइप बना के दो, कि ये जो उनकी मिलिट्री व्हीकल्स हैं और जितने भी टैंक वगैरह जो है स्पेसिफिकली, तो उनकी आर्मर को हो रहा है, उनके लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी है, मतलब लाइव ट्रैकिंग वगैरह, और फिर वेब पे दिखाना है अच्छा उनको, लाइव काउंटिंग दिखानी है वो मैप के ऊपर कि इतने ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी लोकेशन ये है। सर खैर, योर प्रोजेक्ट इज डिफिकल्ट, आपकी पूरी टीम होगी, आप अकेले तो नहीं होंगे फॉर श्योर। दो तीन और लोग भी हैं। तो योलो एक ना ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए एक और मॉडल है, डेक्ट्रॉन। डेक्ट्रॉन ये मेटा का मॉडल है, डेक्ट्रॉन डिटेक्शन मॉडल, यही नाम था आई थिंक, डेक्ट्रॉन मॉडल। हाँ डेक्ट्रॉन 2 ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और इसके लिए ये भी यूज होता है, आप इसको भी एक्सप्लोर कर लो। और योलो, आप योलो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको गिटहब पे मिल जाएंगे, आप सिमिलर कोई प्रोजेक्ट निकालो और उसमें अपनी इमेजेस या अपने डाटा को रिप्लेस कर लो। अगर तो उन्होंने आपको डाटा नहीं दिया तो सिंपल वही निकाल के उसको चला लो, जिसमें वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेगा कम से कम गाड़ियाँ वगैरह इजी। अच्छा योलो, तो योलो की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे ना, तो वो तो गाड़ियाँ वैसे भी डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आप उसको निकालो, फिर आपको जो अब चेंजेस करनी है वो तो फिर अब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। नहीं तो आप जो सर है ना योलो वर्ड यूज़ कर लो, उसको जो है ना डेटा की ज़रूरत नहीं है, वो अभी रिसेंटली इन्होंने रोबोफ्लो वालों ने निकाला योलो वर्ड, वो जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करता है, उसको आप चेक करो। तो क्या बता रहे हैं, योलो वर्ल्ड, तो योलो वर्ड लिखोगे आ जाएगा आपका, वो क्या करता है सर? वही है जो आप कह रहे हो ना डिटेक्शन, आपके पास डेटा नहीं है, आपने जो है ना टैंक वगैरह या
आर्मर्ड व्हीकल डिटेक्ट करवानी है तो वो कर देगा, उसको डेटा की जरूरत नहीं होती। ओके सर, मैं फिर देखता हूँ उसको। बस थैंक यू। आपने उसकी जो है ना क्लासेस सेट करनी है, बाकी वो डिटेक्ट कर लेगा। श्योर सर, थैंक यू। ठीक हो गया, थैंक यू सर। तकी सर आपका एक्सपीरियंस इसी में है? डिफरेंट चीज़ों में, कंप्यूटर विजन के ऊपर भी काम करता हूँ, NLP पे भी है और डीप लर्निंग में भी है। चलें सर, फिर तो आपके साथ सेशन आपको एक करवाना चाहिए इधर, अगर जी आपके पास बिल्कुल, टाइम हो तो। जी जी बिल्कुल करवाएंगे। हमारे पास है टाइम, आप बता दीजिएगा। जी, ठीक। ठीक है। अच्छा तो आज हम क्लास में डॉक्यूमेंटेशन में कन्वोल्यूशन लेयर्स देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स हैं और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहिए तो यू कैन ऐड। ठीक है। अच्छा तो अब हमारे पास फर्स्ट लेयर है कन्वोल्यूशन। अच्छा तो ये आपको भी मैं बता दूं, ये मैं भी फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों को, तो डॉक्यूमेंटेशन को एक्चुअली में। तो कन्वोल्यूशन लेयर 1D लेयर है। ठीक है, इसमें जहाँ तक मुझे समझ आई है एक, अच्छा हमारे पास ये मैं आपको दिखा दूँ कि कन्वोल्यूशनल लेयर तो है लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास 3 वेरिएंट है। एक कन्वोल्यूशनल 1D है, एक 2D है और एक 3D है। ठीक है, अब 1D जो अरे है वो स्पेसिफिकली डेटा के लिए यूज होती है जो कि सीक्वेंस में हो और जिसका डायमेंशन 1 हो। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये हाँ, इसमें पैरामीटर्स हैं। इसमें अब जो स्ट्राइड का पैरामीटर है ना वो 1 है। इस 1 का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ही साइड पे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट पर मूव नहीं कर सकता, ओनली लेफ्ट पर ही मूव कर सकता है। तो इट कैन ओनली डिटेक्ट एंड फीचर्स ऑफ सीक्वेंस इफ योर डेटा इज इन सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको हम इम्पोर्ट कर सकते हैं क्रास डॉट लेयर्स में से कन्वोल्यूशनल 1D अरे। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास लेट्स सपोज कोई डाटा है लाइक इन 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 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर्म और न्यूमेरिक डाटा, तो लाइक मशीन लर्निंग में जो हम डाटा यूज करते हैं उस टाइप का कोई डाटा है, तो आई थिंक वी कैन यूज कन्वोल्यूशनल 1D अरे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले फिल्टर्स का है कि हमने कितने फिल्टर्स लगाने हैं। खैर ये हमने बात बड़ी दफ़ा डिस्कस की है कि फिल्टर्स यूज होते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर में इमेजेस में से फीचर्स को डिटेक्ट करने के लिए या एजेस को डिटेक्ट करने के लिए, और फिर हम उसके नंबर्स भी बताते हैं कि हमने कितने फीचर्स यूज करने हैं। ठीक है, जितने हमारे फीचर्स होंगे उतने ही डेप्थ फीचर मैप की ज़्यादा होगी, मतलब उतना ही उसकी जो चैनल्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कर्नल साइज। हाँ कर्नल साइज, अब ये जो ये फिल्टर, अब हमने बताया है ना कि हमने कितने फिल्टर लगाए हैं फर्स्ट पैरामीटर के अंदर। ठीक है, अब कर्नल साइज भी हमने बताना है। कर्नल साइज वो होता है जो कि इमेज के ऊपर जाता है और जाकर डिटेक्ट करता है, जिसको हम फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमने वो फिल्टर या कर्नल का साइज बताना है कि साइज क्या होगा उसका, 2x2 होगा, 1x1 होगा। 1x1 तो नहीं होता एक, खैर 2x2 या 3x3 या 4x4, तो ऐसे करके हमने उसका साइज भी स्पेसिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पैरामीटर है स्ट्राइड का। स्ट्राइड सिंपली मीन्स के उस फिल्टर को उस इमेज के ऊपर मूव करना है हमने। ठीक है, लाइक लेफ्ट हम उसको मूव कर रहे हैं। अच्छा ये मैंने 4-5 दफ़ा इसकी विजुअली भी दिखाया है कि स्ट्राइड कैसे मूव करते हैं इमेजेस के ऊपर, तो आई होप जिनको आता होगा उनको वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। अच्छा उसके बाद हमारे पास पैडिंग का है। हमने वो पैडिंग वाले टॉपिक को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि हम जो कॉर्नर्स पर फीचर्स या कुछ एजेस हैं हमें उन्हें नहीं डिटेक्ट कर पाते ज़्यादा अच्छे से, जितने हमारे डिटेक्ट फीचर हो रहे होते हैं दरमियान सेंटर वाले या उसके इधर साइड वाले। ठीक है, तो उसके लिए हमने बताया था कि हम पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग क्या करते हैं, हम चारों तरफ इमेज के पैडिंग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो पैडिंग हमें हेल्प आउट करती है उन फीचर्स कॉर्नर फीचर्स को भी डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा तो डेटा फॉर्मेट स्ट्रिंग आइदर चैनल द ऑर्डरिंग और डायमेंशन ऑफ द इनपुट चैनल लास्ट फाइल।
सर तकी हमारे साथ ही है सर, ये तीन पैरामीटर्स अगर आप बता देंगे किस लिए यूज होते हैं। कौन से तीन पैरामीटर? ये डेटा फॉर्मेट, डायलेशन, और श्योर। ग्रुप्स सर जी कानून CNN मैंने यूज़ नहीं किया, टू बी अच्छा वेरी ऑनेस्ट। अच्छा तो ठीक है ठीक हो है जाएगा ठीक है, मैं कोई आपसे मसला नहीं इधर-उधर की बातें करूं आपसे। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। चले ए डाइल्यूशन रेट, ए स्पेसिफाइंग डाइल्यूशन रेट, आई थिंक ये चीज़ें हमने अभी नहीं पढ़ी तो इसको अभी खैर फिलहाल स्किप करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन, अच्छा एक्टिवेशन फंक्शन इज़ वेरी क्रूशियल, एज आई टोल्ड यू बिफोर के एक्टिवेशन फंक्शन हमारी नॉन लिनियरिटी की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली हम रिलू को ही यूज़ करते हैं। ठीक है अच्छा, कर्नल इनिशियलाइजर, ये हमने आई थिंक थर्सडे को पढ़ा था कि कर्नल को इनिशियलाइज करने के कौन कौन से हमारे पास हमें लाइब्रेरीज मिलती हैं, यूनिफॉर्म था जैसे, उसके बाद और भी चीज़ें थी तो उसमें हमने कहा था कि अब कर्नल इनिशियलाइजर। अच्छा चले आपसे पूछता हूँ, उस दिन जो सेशन में थे, कर्नल इनिशियलाइजर क्या करता है अगर किसी को याद हो तो? सर्वकाश भी थे हमारे साथ शायद, मैम शमेला भी थी, याद है आप लोगों को कर्नल इनिशियलाइजर क्या करता है? सर मैं लास्ट वीक नहीं आई। अच्छा चले अब मैं चले चले मैं बता देता हूँ एनोटेट करके। अच्छा अब ये तो है हमारे पास कर्नल, ये ठीक है, ये है हमारे पास कर्नल। और अच्छा एक कर्नल तो आ गया लेकिन मसला ये है इसमें वैल्यूज कौन सी आएंगी। ठीक है, इनमें जो वैल्यूज देनी है उस वैल्यूज के हमने फंक्शंस पढ़े थे कि किस किस वे से दे सकते हैं, लाइक हम कोई मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, कोई मिनिमम वैल्यू डिफाइन कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, उसके दरमियान कुछ रैंडम वैल्यूज को लेकर हम कर्नल को दे सकते हैं। तो कर्नल इनिशियलाइजर क्या करेगा, हम कोई हम अपनी स्पेसिफिक देख सकते हैं कि हमें उसको क्या वैल्यूज देनी है, उसके तरीके से हम उसको कर्नल इनिशियलाइजर को यूज़ करेंगे तो वो वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज द मेन टास्क ऑफ कर्नल इनिशियलाइजर कि कर्नल को वैल्यूज देनी है। ठीक है, उसके बाद बेस इनिशियलाइजर है, बाइस सॉरी बाइस इनिशियलाइजर, बाइस इनिशियलाइजर का काम क्या है कि बाइस ऐड करना। आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क्स और इन चीज़ों में हम बाइस ऐड करते हैं तो हम ज़्यादातर जीरो ही ऐड करते हैं एज ए बाइस में या वन ऐड करते हैं, तो इन्होंने बताया हुआ है कि एक पैरामीटर है हम बाइस इनिशियलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास दो आते हैं, एक जीरो के नाम से आता है और एक वन के नाम से, अगर हम जीरो करेंगे तो बाइस जीरो ऐड हो जाएगी, वन करेंगे तो वन ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कर्नल रेगुलाइजर। अच्छा तो हमारे पास ना ये हमने डिस्कस किया था, ये जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना ओवरफिटिंग की, ठीक है, ओवरफिटिंग में क्या होता है कि हमारे पास ट्रेनिंग डाटा सेट पर एक्यूरेसी ज़्यादा आती है लेकिन टेस्टिंग डाटा सेट पर एक्यूरेसी नहीं आती, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है ओवरफिटिंग की। ठीक है, तो उसके लिए हम रेगुलाइजर के फंक्शंस यूज़ करते हैं जिसमें कुछ रेगुलाइजर टेक्निक है, LS1 और LS2, लेसो रेगुलाइजेशन और रिजिड रेगुलाइजेशन। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आपको इसमें डिटेल से पढ़ना है देन यू कैन सर्च एन आर्टिकल। खैर ये हमारे पास दो रेगुलाइजर हैं जो कि हमारी ओवरफिटिंग को एक कम करने में यूज होते हैं। बेसिकली इनके जो कंसेप्ट है बिहाइंड द कंसेप्ट वो ये है कि ये कुछ न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स रह जाते हैं, तो फिर हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट नहीं होता ज़्यादा ट्रेनिंग डाटा सेट पर। ठीक है, उसके बाद सर फिर ड्रॉप आउट लेयर भी तो यही करती है। यस यस मैम वो भी यही करती है, इसीलिए हम ये वाला फंक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये बेसिकली हमारा यही मकसद है कि हमें चले पता तो हो ना हम लेयर्स में ऐड करके आ गया सकते हैं, करना ना करना इट्स एन अदर टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हम कुछ कंस्ट्रेंट्स भी रख सकते हैं कर्नल में और बाइस में। ठीक है, दिस इज़ वेरी ऑप्शनल। ठीक है, तो कुछ भी हम कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं कि लाइक इसमें लाइक सपोज हम कर्नल में कुछ वैल्यूज देना चाह रहे हैं
और हम चाह रहे हैं कि अब लेट्स सपोज हमने वैल्यूज साइन कर दी हैं कि इनिशियलाइजर में कि -1 से लेकर 10 तक वैल्यूज होनी चाहिए, पॉजिटिव 10 तक। अब लेकिन हम उसमें चाह रहे हैं कि 5 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यूज हो, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या करेगा, उसका काम है रैंडम वैल्यूज को जनरेट करना, तो दिस इज द हाईली चांस कि वो 5 को भी जनरेट करेगा। तो हम ऐसा कोई कंस्ट्रेंट कर सकते हैं कि 5 नहीं होना चाहिए, बाकी वैल्यूज होनी चाहिए, तो दिस इज द कंस्ट्रेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं और ये हमें अलाउ करता है। ठीक है, चलें, ये तो बातें हो गई। अब अगेन कन्वोल्यूशनल 1D कहाँ यूज होता है? एनीवन, मतलब किसको ही समझ नहीं आ रही। अच्छा चले, बताएं कि नहीं समझ आई तो फिर ही आगे चलेंगे हम। आई है या नहीं आई? अच्छा, ये हम बड़ा वैसे इसका वेट कर रहे थे कि हमें पता लगे हम कन्वोल्यूशन 1D कहाँ यूज करते हैं, 2D कहाँ यूज करते हैं, 3D कहाँ यूज करते हैं, बट अच्छा चलो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। कन्वोल्यूशनल 1D जो यूज होता है वो होता है एक 1D के लिए। ठीक है, हमारे पास इनपुट 1D होनी चाहिए और मोस्टली इन सीक्वेंस में होनी चाहिए। अब आप इधर गौर कर रहे हैं कि स्ट्राइड की वैल्यू हमारे पास 1 है, ओनली 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा स्ट्राइड ओनली ऑन मूव कर सकता है लेफ्ट। ठीक है, तो मोस्टली हमारे पास जो डाटा है लाइक इन 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 द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, तो वो हमारे पास जो डाटा है ना वो मोस्टली एक सीक्वेंस में होना चाहिए ताकि हमारा स्ट्राइड लेफ्ट मूव कर रहा है तो वो सब फीचर्स को डिटेक्ट करता जाए। ठीक है, तो अब समझ आई है? चुप कर गए हैं सब, सो तो नहीं गए? हाँ यस सर। अच्छा चले, थैंक यू। ओके, अब हमारे पास आ गई है कन्वोल्यूशनल 2D अरे। अब जो हम जो काम कर रहे हैं, हम इस सेशन में ज्यादातर देख रहे हैं इमेजेस को। अब जो इमेजेस पे यूज होता है वो कन्वोल्यूशनल 2D ही यूज होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या इसमें इस ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप जो इसकी इनपुट है वो 3D इनपुट इसको दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मोस्टली इमेजेस होती हैं RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, वो 3D होती हैं और उनके 3 चैनल्स होते हैं। ठीक है, सो दिस लेयर कैन वर्क ऑन दैट टाइप ऑफ इमेजेस। ओके, तो अब इसमें पैरामीटर सब सेम है, एक पैरामीटर डिफरेंट है, और वो पैरामीटर क्या डिफरेंट है, वो ये वाला। अब इफ एनी वन हैज एनी आइडिया कि अब उधर तो हमारे पास सिर्फ 1 था, लेकिन इधर 1 और 1, 2 1 है, क्या मकसद हो सकता है इसका? सर एनी वो फिर इन गेस फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होगा ना, तो रोज और कॉलम्स। मैम, स्ट्राइड का मैट्रिक्स के साथ क्या लिंक? स्ट्राइड ये बताएं, स्ट्राइड यूज किस लिए होता है? मूव करने के लिए फिल्टर को। हाँ, तो फिर उसमें मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है? तो सर जब वो तो हमारे पास हम पिक्सेल्स की फॉर्म में आएंगे तो वो मैट्रिक्स नहीं होगा। हर मैम, स्टेप मूव करेगा ना, एक स्टेप छोड़ के। अच्छा, अच्छा, स्ट्राइड का सिंपल काम ये है कि कर्नल को मूव करवाना, कितने स्टेप करवाना वो हमने बताना है। ठीक है, अब ये जो पैरामीटर है 1 और 1, इसका मतलब क्या है कि हमारा स्ट्राइड लेफ्ट भी मूव कर सकता है और राइट भी मूव कर सकता है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है स्ट्राइड का इसके अंदर। अब जो हमारे पास RGB चैनल्स होते हैं उसमें हमारे पास, आपको बताया RGB चैनल्स कह रहा हूँ, RGB इमेजेस होती हैं, उसके अंदर 3 चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें स्ट्राइड को मूव करवाना पड़ सकता है अप भी और राइट भी और लेफ्ट भी। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये देखे ना, अब हमारे पास, मैं एनोटेट करने की ट्राई करता हूँ, ये हमारे पास एक चैनल है, ठीक है, और ये दूसरा चैनल है और ये तीसरा चैनल है। 1 1 का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पर जो कर्नल है वो मूव कर सकता है लेफ्ट की तरफ,
इट कैन नॉट मूव राइट। ठीक है, अब क्या हुआ जी, हमारा कंडल चलता गया, यहाँ से चला यहाँ पे आया, यहाँ से चला यहाँ पर आ गया एंड पर। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली हमारा फिल्टर अगले यहाँ से मूव करे, तो वो यहाँ पे भी मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आकर फिर अगेन वो इधर 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 ऐसे मूव कर सकता है हमारा कर्नल, हमारी इन चैनल्स के ऊपर। ठीक है ना, तो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड 2D, और ये दो दो लिखा हुआ है ना। हालांकि मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा था कि ना ये क्यों, मतलब हम इसको दो दफा लिख रहे हैं। तो ये आज मैं इसको सेशन से पहले पढ़ रहा था थोड़ा सा, तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक की वाला पैरामीटर चेंज है, और एक चेंज है हमारे पास डेल्यू जी। कन्वोल्यूशनल लेयर जो है वो 2D दे रही है, लेकिन स्ट्राइड को हम मेंशन नहीं कर रहे, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 × 1 लेगा, मतलब वन वन ही डिफॉल्ट लेगा, डिफॉल्ट वन है सिर्फ वन। मैम, अगर 2D लेंगी तो वन बाय वन, ये जो इधर जैसे मेंशन है इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही लेगा। हाँ, अगर आप 1D अरे, 1D कन्वोल्यूशन 1D यूज करेंगी फिर ओनली वन होगा, जब आपने 2D यूज कर दिया तो फिर बाय डिफॉल्ट वो वन, वो दो दो स्ट्राइड ही लेगा, कि अगर उसे लेफ्ट मूव करना है तो कितना मूव करना है, और राइट मूव करना है तो कितना मूव करना है। ठीक ठीक है, है, पहले हमने कुछ और समझा था जहां तक मेरा क्या समझा, मतलब आपने वो सेंटर। उसको हाँ शायद मैंने गलत समझा, अब नहीं, समझ आ गई। कंसेप्ट किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें, हम उसको क्लियर कर नहीं सकते नहीं अब हैं। समझ आ गई सर। चलें, थैंक यू। अच्छा, तो ये हमने इसमें अगेन जो पैरामीटर्स हैं वो वही हैं, इसमें एक पैरामीटर चेंज है, ये डाइल्यूशन रेट का। इन टोटल लिस्ट ऑफ टू इंटीजर्स स्पेसिफाई डाइल्यूशन रेट यूज फॉर डाइल्यूटेड। अच्छा, इसका मतलब हम गूगल से देख लेते हैं, मुझे तो यहाँ पे नहीं समझ आ रही। डाइल्यूशन रेट डिफाइन स्पेसिंग बिटवीन दी वैल्यूज इन अ कर्नल। अच्छा, एनदर पैरामीटर। अच्छा, इमेज देख के समझ आ रही है कि डाइल्यूशन रेट क्या है, मुझे तो वैसे आ रही है बट मुझे वर्ड्स में नहीं, इसको कैसे कहूँ, आ रही है समझ। थ्री बाय थ्री कर्नल विद डाइल्यूशन रेट ऑफ टू विल हैव सेम फील्ड ऑफ व्हाइल ओनली 9 पैरामीटर्स। अच्छा, ये कह रहा है कि हम कर्नल को इमेजेस के ऊपर लेकर जाते हैं ऐसे ही डिटेक्ट करने के लिए, फिर उसको मूव करते हैं। अब कर्नल और इमेज का कितना डिस्टेंस रहेगा उसको डाइल्यूशन रेट कह रहा है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। व्हाई डू यू इम्प्लीमेंट डाइल्यूटेड कन्वोल्यूशन, दे आर टू वेज टू परफॉर्म टेंस। उसके बाद मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अच्छा चले, खैर मुझे तो ये समझ आई है, जो कर्नल और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये उसको उसमें यूज हो सकता है कि कितना डिस्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब एक है कन्वोल्यूशन 3D। अच्छा, 1D तो रे होगी, चलो जी एक डायमेंशन के लिए, अब 3 डायमेंशन के लिए 2D होगी। अब 3D कन्वोल्यूशन 3D का क्या मकसद है, इमेजेस तो हमारी कवर हो रही है RGB पे, अब ये 3D क्या करेगा, एनी गेस। तीन चैनल होगा ना सर, रेड वाला अलग से होगा। नहीं, वो तो हो गया ना, 2D में हो गया, वो 2D में हो गया। अच्छा चले, मैं बता देता हूँ, अब कन्वोल्यूशन 3D यूज होता है वीडियोस के लिए। ठीक है, अब वीडियोस में क्या होता है कि हमारे पास इमेजेस होती हैं जो कि टाइम फ्रेम के अंदर मूव कर रही होती हैं, जो कि एक वीडियो बनती है। ठीक है, तो उसमें एक फैक्टर ऐड हो जाता है टाइम,
टाइम का, और उसके फिर आगे जो चैनल्स बनते हैं उसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें बाकी पैरामीटर्स वही हैं, इसमें सेट्राइड की देखे ना तीन हो गई है, एक तो राइट और लेफ्ट जाएगा, और एक वो जो डेप्थ है ना उसकी, या टाइम का जो है उसको कवर करेगा, ठीक है। तो खैर ये हमारे लिए इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, तो हम आगे चलते हैं कि हमें और क्या मिलता है। अच्छा, सेपरेबल कन्वोल्यूशनल लेयर, अच्छा आइडिया, कोई आइडिया आ रहा है कि क्या कर सकते हैं सेपरेबल कन्वोल्यूशनल लेयर? सर इसमें एडिशनल पॉइंट वाइज है ना डेप्थ? पॉइंट वाइज डेप्थ क्या होती है? सेपरेटली चैनल्स पे परफॉर्म करेगी। तो जहाँ तक मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो ये है कि जो कन्वोल्यूशनल जो दूसरी सिंपल लेयर है, वो कुछ चैनल्स को शायद मिला के लाइक करके ना उसको परफॉर्म करती है, लेकिन शायद ये हर चैनल को डिफरेंटली परफॉर्म करेगी डेप्थ वाइज, आई थिंक सो। अगर किसी को कोई है आइडिया तो वो ऐड कर दे। व्हाट इज सेपरेबल? अ प्रोसेस इन विच सिंगल कन्वोल्यूशन डिवाइडेड इन टू टू और मोर कन्वोल्यूशन टू प्रोड्यूस सेम इनपुट। अच्छा वॉइस कन्वोल्यूशन, सिंगल कन्वोल्यूशन पॉइंट वॉइस, क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है किसी को भी? सर ये वाले कभी लेयर यूज ही नहीं की, ज्यादातर कन्वोल्यूशनली टू डी यूज की। एग्जैक्टली हमारा काम है सिंपल, जो प्रोजेक्ट आया कन्वोल्यूशनल 2D यूज की और काम हो गया, इट्स ओके। बेसिकली हम इसको इसीलिए देख रहे हैं कि हमें पता लगे और क्या क्या है। अच्छा, व्हाट इज द इज अ वेरिएंट ऑफ ट्रेडिशनल कन्वोल्यूशनल डेट वॉज सपोज टू कंप्यूट इट फास्टर। अब देखे ना, ये हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये इट्स कंप्यूटेशनल पावर इज हायर। अच्छा यहाँ पे शायद समझ आएगी, ये खुल जाए तो। अच्छा, इनपुट लिया, कर्नल ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन सेपरेशन। अच्छा, डेप्थ वाइज और पॉइंट वाइज, ठीक है। डेप्थ, यार मुझे ये याद आ रहा है, मैंने कहीं में पढ़ा था। लेट्स अज्यूम वी हैव एन इमेज 7x7, वी मेक श्योर आफ्टर द डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन इट हैज इट सेम डेप्थ, दिस इज वन ईच कर्नल पॉइंट वाइज आफ्टर द डेप्थ वाइज। चले खैर, मैं इसको अपनी साइट पे रिसर्च करूंगा, मुझे कल याद करवाइएगा तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग याद करवा दीजिएगा मुझे लाजमी। अच्छा जी सर, तो इंशाल्लाह हम भी देख के आएंगे। हाँ, आप भी देखिएगा लास्ट में, क्योंकि दो तीन आइडियाज अगर डिस्कस हो तो एक चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाती है। अच्छा सेपरेबल लेयर पॉइंट वाइज लेयर को कह रहा है, और डेप्थ वाइज की लैद है, और पॉइंट वाइज सेपरेशन की लैद है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हैं हमारे समझने वाले। होप्स हो गया हम इसको इस वीक में कवर कर लें। ट्रांसपोज लेयर, द नीड फॉर ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन जनरेट एंड डिजायर टू यूज अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कन्वोल्यूशन फ्रॉम समथिंग दैट हैपेंड टू शेप।
अगर हमें ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वोल्यूशनल को परफॉर्म करना हो तो देन ट्रांसपोज लेयर यूज होगी। अच्छा, इसमें पैरामीटर्स भी सेम है, ठीक है। अच्छा, दिस इज रियली अ न्यू कंसेप्ट कि कन्वोल्यूशनल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी परफॉर्म हो सकती है। द नीड फॉर ट्रांसपोज कन्वोल्यूशन जनरली अराइज फ्रॉम डिजायर टू यूज अ ट्रांसफॉर्म गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कन्वोल्यूशन बट फ्रॉम समथिंग दैट हैज द शेप ऑफ आउटपुट। चले, कंसेप्ट ही है, बाकी तो हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए हुए हैं। ये कंसेप्ट मैं फिर कल देख लूंगा और आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग भी देखिएगा लाजमी। अच्छा, अगेन 1D, इसको वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास अब टाइम थोड़ा है और वैसे भी टाइम थोड़ा है। तो मैक्स पूलिंग मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैक्स पूलिंग में क्या होता है कि, अच्छा चले आप लोगों को पता होगा सच, मैक्स पूलिंग में क्या होता है। बताएं, पूलिंग का नहीं पता? नहीं पता तो मुझे बता दे, मैं बता देता हूँ। बोले तो सही। सर, कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फीचर मैप बनता है उस पर हम पूलिंग अप्लाई करते हैं, और वो मैक्स पूलिंग में क्या होता है कि वो मैक्सिमम वैल्यूज लेता है, एवरेज में क्या होता है कि वो मीन ले लेता है। यही दोनों हमने पढ़े थे ना। ठीक है, एग्जाम्पल आप भी कुछ कह रहे थे। जी सर, मैं यही बताने लगा था कि मैक्स पूलिंग में जो है आप जो भी कर्नल की एरे जो डायमेंशन होती है वो आप जब अप्लाई करते हैं इनपुट के ऊपर और उसमें कन्वर्जन अप्लाई करने के बाद जो भी फीचर्स आ रहे होते हैं तो उसमें से जो मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है उस वाले पिक्सल या जो भी आप उसकी सेल को कह लें उसको आप पिक कर लेते हैं, और एवरेज में इसी तरीके से जो है आप एवरेज सबका लेकर जो है उसकी जगह वो वैल्यू ले लेते हैं आप। चले, ये आप दोनों ने बिल्कुल ठीक बताया। बस एक बात नहीं, आप लोगों ने बताया कि हम ये यूज क्यों करते हैं लेयर को, पूलिंग लेयर को, सर फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के फीचर्स लिए। एक्सट्रैक्ट करने के लिए। थैंक चले, माशाल्लाह दोनों का जवाब गलत है। फिर दोबारा सोच ले, फीचर यू। एक्सट्रैक्ट करने के लिए कन्वोल्यूशनल लेयर यूज होती है, पूलिंग लेयर किस लिए यूज होती है? सीरियसली सर, वकास आप बताएं, आपको अगर पता हो तो। सर भूल गया है। मतलब सर आई ये ना थिंक ये हो, इसमें जो है जब हम ये अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम जो उसकी साइज होती है उसको हम स्मॉल कर रहे होते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उसको हम रिमूव कर रहे होते हैं काइंड ऑफ। एग्जैक्टली साइज को रिड्यूस करने के लिए पूलिंग लेयर यूज होती है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये याद रखिएगा, ए दिस इज द मेन लेयर, और ये नहीं पता होगा क्यों यूज होती है तो दिस इज द ब्लंडर। तो ये कन्वोल्यूशनल लेयर का काम है फीचर्स को डिटेक्ट करना, इसका काम है उनका साइज रिड्यूस करना। फिर जितना साइज रिड्यूस होगा उतना ही फिर वो आगे ANN को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ANN को हमने देना साइज रिड्यूस करके, ठीक है। साइज तो सर एवरी लेयर के बाद चीज कम तो होता है, वो आपने फार्मूला लगाया था जो एग्जैक्टली एवरी लेयर। कन्वोल्यूशनल लेयर में भी होता है लेकिन पूलिंग लेयर में उसका हाफ हो जाता है तकरीबन, ठीक है। राइट सर। अच्छा चले, वो तो हमने पढ़ ली। अच्छा, पूलिंग लेयर में हम पैरामीटर देख लें दफा कौन कौन से हैं, क्या था हमें कोई न्यू चीज वहां पे मिल जाए। अच्छा, हमें जो पूलिंग लेयर पे पता है, अच्छा पूलिंग लेयर में भी पैडिंग ऐड हो सकती है। अच्छा, पूल साइज और जो जिसको हम कर्नल साइज कहते हैं वही हम उसको पूल, जो पूल डिटेक्ट करता है कि इसमें मैक्सिमम कौन सा है, इसमें एवरेज कौन सा है, इसमें मिनिमम कौन सा है, तो उसका साइज, ठीक है। स्ट्राइड, हमने उसका मूव को कितना करना है, पैडिंग, ठीक है। और उसके बाद नेम, नॉन। अच्छा, तो यहाँ भी देखें इसका ये करता क्या है, ये डाउन सैम्पलिंग करता है बाई टेकिंग मैक्सिमम वैल्यूज ओवर विंडो साइज एंड विंडो शिफ्टिंग बाई स्ट्राइड, ठीक है। तो ये फार्मूला भी इसका दिया हुआ है,
तो आप इसका फार्मूला भी देख सकते हैं। खैर ये बातें हमने डिस्कस की हुई हैं और ये पुलिंग लेयर लगाना काफ़ी इजी है, लेकिन मुझे एक चीज़ क्यूरियस कर रही है कि इधर कुछ है ग्लोबल मैक्स पूलिंग, ये ग्लोबल वाला क्या सीन है? अच्छा, ग्लोबल मैक्स पूलिंग ऑपरेट फॉर टेम्पोरल डेटा, टेम्पोरल डेटा। अच्छा ये एग्जांपल दी हुई है, एनपी रैंडम, कोई एक्स ने रैंडम नंबर लिया, एक्स पूलिंग, वाई डॉट शेप, टू और फोर। खैर एग्जांपल से तुमने समझ आया, ये टेम्पोरल डेटा क्या होता है? डेटा डेट रिप्रेजेंट स्टेट इन टाइम, डेटा डेट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट इन टाइम। अच्छा ड्यूरेशन, स्टेट ऑफ टाइम डिफाइन कर रहा हो, ठीक है। अच्छा ये खैर मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम का होगा ये लेयर। इसमें इसमें यही है कि ये स्पेसिफिकली टेम्पोरल डाटा के लिए है, और टेम्पोरल डाटा कोई स्टेट ऑफ टाइम, कोई वक्त किसी का शो कर रहा हो, लाइक कोई ऐसी इमेज है जो कि टाइम शो कर रही है, तो ये जाहिर बात है उसको रिड्यूस करते हुए वो इस चीज़ का ख्याल रखेगा फिर ना। तो खैर हमें, मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। एक्टिवेशन हमारी हो चुकी है, वेट इनिशियलाइजर, कोल्ड लेयर, कन्वोल्यूशनल लेयर, कूलिंग लेयर, आरएनएन हमने नहीं करना। अब हमारे पास बची है प्री प्रोसेसिंग लेयर, नॉर्मलाइजेशन लेयर, रेगुलाइजेशन लेयर। हाँ बस यही कुछ इंपॉर्टेंट है, यही हम आने वाले दिनों में करेंगे, जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम सेशन एंड कर देंगे। वी हैव 2 और 3 मिनट्स लेफ्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन एंड दिस सेशन। सर, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि डाटा को जब हम स्प्लिट करते हैं तो उस पर टेस्ट डाटा भी अप्लाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एल्गोरिथम के लिए अनसीन होता है। तो सर, जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं उनमें तो सिर्फ वैलिडेशन और ट्रेनिंग हुई हुई होती है, एक्यूरेसी भी उसी की होती है, लॉस भी उसी का होता है, ग्राफ मैम रिसर्च लेवल के बाद। रिसर्च लेवल पे आई डोंट नो कि अब आपने कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ा है, अब आपकी मिस्टेक है या रिसर्च पेपर पे तो नहीं होगी, लेकिन देखे ना अगर सर मैंने हम, एक नहीं पढ़ा, बहुत सारे पढ़े हैं। अच्छा मैम आप एक सिंपल बात का एक आंसर करें कि हमें, चले हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया ट्रेन डाटा पर और वैलिडेशन डाटा पर, ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि मॉडल हमारा ओवर फिट है या नहीं है? सर फिर उन रिसर्च पेपर्स में उनके इम्पैक्ट फैक्टर काफी अच्छे अच्छे हैं, 7.7 समथिंग इस तरह है। वो तो ठीक है, लेकिन आप एक एक सिंपल जनरल सी बात है कि हम कैसे पता लगेगा कि हमारा मॉडल में ओवरफिटिंग है या नहीं है जी सर, अगर मुझे हम तो टेस्ट नहीं समझ में आ करेंगे? नहीं रहा कि जब तक टेस्ट तो नहीं करेंगे, अनसीन ही वही होता है उसके लिए, एल्गोरिथम के ठीक लिए है, डाटा। तो वो जो रिसर्च पेपर होगा उसका टॉपिक किसी और चीज पर इंफोसाइज कर रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए वो वैलिडेशन और टेस्ट ट्रेनिंग सेट को देख रहे सर होंगे। कैंसर डाटा है, डीप लर्निंग ही अप्लाई की गई है। डीप लर्निंग, तो फिर अब मैं ऐसे क्या कह सकता हूँ, या तो फिर आप किस बात का आंसर के लिए मैं रिसर्च पेपर पढ़ूँ कि उसका टॉपिक क्या है और किस बात को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप देखें ना, अगर आप वो क्या पता मॉडल की टेस्ट कर ही ना रहे हो, उसमें उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग को ही देखा हो, उसको वैलिडेट कर दिया, ट्रेनिंग कर ली जस्ट इट, उन्होंने उसकी टेस्टिंग को डिस्कस ही नहीं किया वो टेस्ट। अब जी आप सर, मैं देखें वही तो ना, कह रही हूँ। अब आपने एक मॉडल बनाया है, ठीक है, अब उस मॉडल को अगर आप टेस्ट ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा आपको उस मॉडल का, ठीक ठीक है है। सर, अब ये ना मैंने एक बात गौर की है, आप लोग शायद बिलीव करें या ना करें, ये जो बायो वाले टीचर्स होते हैं ना, इनको प्रोग्रामिंग बहुत कम आती होती है, और ये हमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी देखा है कि वो जो मॉडल्स भी यूज करते हैं ना, वो आज से 20 साल पुराने मॉडल्स यूज करते हैं, चाहे वो यूएसए में भी है। ये एक यूएसए के प्रोफेसर ने ये बात बताई है, तो मैं खुद से नहीं रिज्यूम कर रहा,
तो ये भी केस होता है, ठीक मैं तो है। मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, बायो की नहीं। अच्छा नहीं, वो कैंसर डेटा था ना, इसलिए मैंने कहा, नहीं, मैं क्योंकि बायो बायो की वाले। स्टूडेंट। ठीक है, चले और किसी का भी क्वेश्चन सर मेरा बाकी। थोड़ा हटके है, जीआरई के जी रिलेटेड, जी क्या आपने जीआरई दिया है? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं प्रिपेयर करूँ जीआरई के लिए। ये सर तारिश आपको ज्यादा गाइड कर देंगे अच्छे से। खैर मैंने नहीं किया हुआ, और मेरा एडमिशन हुआ है, मुझे फंडिंग नहीं मिली अभी तक, तो फंडिंग बहुत जरूरी है, तो डेट्स वाई वहाँ ऐसा सर तारिश है, वो आपको गाइड करते हैं जीआरई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, सर वैसे तो वैसे वो लोग कह रहे हैं कि करो, मैं आप कहा ना कि आपको मिला हुआ है। मैंने कहा आपका लाइव एक्सपीरियंस क्या है? यार देखिए, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि मेरे पास जीआरई होता तो मेरे पास एडमिशन कंफर्म हो जाता अभी तक, इन सिंपल लफ्जों में मैं बता रहा हूँ। मैं अगर थोड़ा सा फंसा पाऊँ तो वो सिर्फ जीआरई ना होने की वजह से फंसा हुआ, तो जीआरई इज द बेस्ट। जी सर दानिश, सर आपकी अच्छा, आवाज़ को मैं देखकर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अब आ रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जीआरई के बेस पे समझे कि मुझे फंडिंग भी मिल गई है। होपफुली एक दो दिन में मुझे कंफर्मेशन होगी, लेकिन जीआरई के बेस पे मुझे एक जगह एडमिशन कंफर्म हुआ है। तो जीआरई का इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है जीआरई का। ये माशाल्लाह सर बहुत टैलेंटेड है, और सर का एक अमेरिका की बहुत रिनॉन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है पीएचडी में, और सर को फंडिंग भी मिली है। इंशाल्लाह वो सर शेयर भी करेंगे डिटेल से, तो अब आपको आंसर मिल गया होगा। ओके सर। मिनिमम अच्छा, क्या स्कोर और होना चाहिए जीआरई का? यस सर, ये मेरा क्वेश्चन है कि टारगेट क्या करें, क्योंकि मैंने तो वीडियो देख रहा हूँ, वो तो पता नहीं जीआरई को कौन सा टेस्ट कह रहे हैं, वैक्सीन देखते अच्छा हैं सर क्या। दानिश, ऐसा करें कि आप ना इन्हें जल्दी से ना 2 मिनट के अंदर सारी बातों के इनके आंसर कर दें, कि कितना स्कोर होना चाहिए और कैसे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जीआरई का स्कोर तो जितना हो उतना अच्छा है। मैंने टारगेट 320 किया था, लेकिन मेरा 307 आया स्कोर। आप लोग 330 टारगेट करेंगे तो 320-325 आपका आएगा। अगर आपका 320 प्लस आ गया लेट से, तो आपके 70% चांसेस होते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन बेस्ड ऑन योर SOP और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी बेस करता है। जीआरई का स्कोर जितना अच्छा होता है उतना बेस्ट है। और इसके अलावा दो तीन यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, एक तो है ग्रेगमेट और एक है टेस्टेड ट्यूटर, उनके ट्यूटोरियल्स अच्छे हैं, तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप उनसे स्टार्ट ले सकते हैं। और जीआरई आपका 1 मंथ में 2 मंथ में नहीं हो सकता, आपको 3-4 मंथ अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि 2 मंथ में हो जाता है, बट मुश्किल होता है क्योंकि चीज़ें रह जाती हैं। सिर्फ वोकेबलरी के वर्ड्स ही 1000+ होते हैं, 900+, तो उसको मेमोराइज करना, उसको बार बार यूज़ करना, तो वो एक हार्ड चीज़ होती है। और मैथ्स आप पहले कवर कर लेंगे 1 मंथ में 2 मंथ में, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट होती है ना वो बहुत इश्यू होती है। मेरे पास, मैंने जो पेपर में ब्लंडर मारा था वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से मारा था। मैंने एक क्वेश्चन पे 5 मिनट दे दिए थे, तो जिसकी वजह से मेरे पूरी जो पूरा स्कोर था वो खराब हो गया। 307 पे भी मुझे एडमिशन मिल गया, तकरीबन 3 जगह पे मुझे एडमिशन मिल गया है, एक जगह पे फुली फंडेड मिला है, 2 जगह पे अभी तक फंडिंग का पता नहीं है। तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, बस ये एक पॉइंट है। ओके सर। और सर बाकी वो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे हैकाथॉन्स वगैरह, वो भी हैं आपके सीवी में? हाँ एक्चुअली देखें, हैकाथॉन्स का मेजर गोल क्या होता है, एक तो आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने की कोशिश करते हैं, एंडोर्समेंट लेने की कोशिश करते हैं, दूसरा ये होता है कि आप नया स्टैक, जो नई न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं उस पे काम करते हैं, और तीसरी चीज़ आपको एक्सपोजर मिलता है, लर्निंग आपकी होती है, आप बात करना सीखते हैं कि आप किस तरह एक ग्रुप में काम किया जाए, किस तरह किसी से बात की जाए। क्योंकि मुझे एक दफ़ मुझे स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस पे भी मुझे एज अ टीचर पढ़ाने का मौका मिला था, तो मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे भी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। उसके अलावा हैकाथॉन में पार्टिसिपेशन का मेन गोल यही होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी शार्प हो जाएं कि जब आपका प्रोफेसर इंटरव्यू ले या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू ले तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, और आप उसके साथ साथ आपकी लर्निंग भी कंटिन्यू रहती है हैकाथॉन में। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, अभी आपकी जो लीड कोड है वो मतलब प्रिपेयर्ड है लाइक क्वेश्चन? अच्छा मैं इसके बाद का आंसर करता हूँ सर। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। ये आपको सर जफर ने भी कहा हुआ है, तो ये चीज़ें आपने करनी करनी है। लीड कोड, हैकाथॉन, ये सब चीज़ें कंपलसरी हैं। जीआरई भी, ये सब जो सर जफर आपको कह रहे हैं ना वो कंपलसरी है, और हमने जो कुछ किया है वो सर जफर ने जो जो कहा है हमने सिर्फ वही फॉलो किया है।
ठीक है, नहीं तो वैसे तो मुझे पता है बेसिकली ना, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटाइज कैसे करूँ, तो इसके ख्याल से मैं पहले मतलब जीआरई को करूँ फिर आईएलटीएस को स्टार्ट। देखें सब चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं, पहले जीआरई करें फिर आइल्स करें, मैं ये रिकमेंड करूंगा। सरदारिश ऐसे ही है, हमारे पास 1 मिनट है सर, अगर आप जवाब दे जी दें। जी पहले जीआरई की प्रिपरेशन करें 3 मंथ्स, आई थिंक एक टाइमलाइन बना लें, फिर जब अटेम्प्ट हो जाए फिर आईएलटीएस आप 15-20 दिन में भी आराम से दे सकते हैं, क्योंकि आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। बस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपको काम करना पड़ता है राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए, बाकी रीडिंग लिसनिंग तो आप आराम से 15-20 दिन में प्रैक्टिस करके दे सकते हैं, वो इशू नहीं होता। जीआरई का वैलिडिटी 5 ईयर्स है? अच्छा 5 ईयर्स है। चले, ये हमारा सेशन एंड है। थैंक यू सो मच सर दानिश, आपने गाइड किया। तो सर दानिश हमारे पास सेशन में रोज आते हैं, आप फिर भी इनसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ठीक सो है मच मैं अगेन जरूर। सर, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।